खबर बक्सर से एक पिकअप चालक की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मामला इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कुकुढ़ा बधार की है, जहां पिकअप चालक को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही इटाढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात अपराधियों ने पिकअप वाहन संख्या UP65HT5572 के चालक को सिर में गोली मारकर शव को वाहन के समीप ही छोड़कर फरार हो गए हैं। घटना क्यों की गई है, इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि आशंका जताई जा रही कि लूटपाट के दौरान अपराधियों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक चालक का उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। इटाढ़ी थाना अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि घटना रात की कुकुढ़ा बधार के समीप की बताई जा रही है। हालांकि मामले की छानबीन की जा रही है, जल्द ही घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कि सूचना मिला कि आपके ड्राइवर को हत्या हो गई, आपके ड्राइवर की। अच्छा, किसी ने गोली मार दी। अच्छा, तो मैं आ गया। आपके चालक ये वाहन लेकर के कहाँ गए थे? अभी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी जो है, इस गाड़ी का संचालन हमारे भाई साहब लोग देखते हैं। गोली मारा हुआ केस था, एक गोली सिर में लगी है जो आर पार हो गई है, एक गोली छाती में लगी है जो आर पार हो गई। क्या लग रहा है, कब का ये गोली मारा है? ये अभी राजीव रायगढ़ में कुछ तो है इसमें, इसका टाइम हम लोग 6 से 24 घंटा कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, बक्सर।